आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है समोसा की, तो जो एकदम से खस्ता और कुरकुरे से हलवाई जैसे समोसे बनने वाले हैं और बहुत ही आसानी से, बिल्कुल भी एक भी समोसा ख़राब नहीं जाता इस तरीके से अगर बनाओगे तो। कभी भी तेल में समोसा फटेगा नहीं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ले लिया 2 कटोरी हमने मैदा, आप कप भी ले सकते हो। तो 1 हमने छोटा चम्मच डाल दिया नमक का, और 1/2 चम्मच अजवाइन, कलौंजी 1/2 चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं पसंद तो रहने दीजिए। अच्छे से मिक्स कीजिए। तो समोसे तो ना मैदे के ही बढ़िया बनते हैं, वैसे तो आटे के समोसे भी बनते हैं, लेकिन जो मैदे वाले हैं ना वो एकदम से हलवाई जैसे लगते हैं। अभी इसमें हमने मोयन के लिए डाल दिया 1 चम्मच देसी घी। तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन जो क्रिस्पी है ना एकदम से खस्ते बनते हैं वो घी से ही बनते हैं। अगर देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी डाल सकते हो। तो बढ़िया सा मिक्स कीजिए अभी से। तो अच्छे से मैंने ये मिक्स कर लिया अभी। तो अभी हमने इसे आटा गूंथ के तैयार करना है। तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाना है, तो सख्त सा आटा तैयार करना है, जैसे हम मठरी वगैरह बनाते हैं ना उस तरह का आटा होना चाहिए, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के इसे गूंथ ले रही हूँ। इस तरीके से मैंने अभी ये पेड़ा बड़ा सा बना लिया, अभी इसे थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं गूंथ के। तो 5-6 मिनट तक इसे गूंथना चाहिए, थोड़ा ना अगर सूखा लगे तो पानी वाला हाथ लगा के गूंथ सकते हो आप। तो ये मैंने तैयार कर लिया, अब इसे ना ढक के रख देते हैं क्योंकि गर्मियों के दिन है तो सूख जाता है जे। अभी हमने स्टफिंग तैयार करनी है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया तेल, तो तेल गर्म हो गया। अभी डाल दिया जीरा 1 चम्मच, साथ ही साथ ये दरदरा किया हुआ ना साबुत वाला जो धनिया होता है वो डाल दिया। हल्का सा भुना, तो भुन चुका है, ये बहुत जल्दी से भुन जाता है। अभी हमने अदरक और हरी मिर्च को कूट के ना वो डाल दिया, और साथ ही साथ हल्दी 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम ही डाल दिए, जीरा डाल दिया 1 चम्मच पिसा हुआ, मिर्च का पाउडर डाल दिया, बाकी आप जैसा तीखा पसंद करते हो कम ज़्यादा उसी हिसाब से डाल सकते हो। तो ये मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक भी डाल दिया। ये मैंने ले लिए मटर, तो ताज़े वाले मटर है, इनको ना बॉईल किया मैंने, तो फ्रोज़न मटर भी ले सकते हो आप। अभी इसमें जाएंगे आलू, तो उससे पहले अमचूर जो मैंने पहले डालना था तो डाला नहीं, अभी डाल दिया 1/2 चम्मच अमचूर। तो अमचूर से ही बढ़िया जो हमारी स्टफिंग है ना इसका जो स्वाद आता है, क्योंकि खटाई आ जाती है ना। तो अभी मैंने ले लिए 4 से 5 छोटे साइज़ है, बहुत बड़े साइज़ के नहीं है, ये आलू ले लिए मैंने उबले हुए। इस तरह से बढ़िया से हमने मैश कर लेना है इसे साथ साथ, और अच्छे से जब हो जाए तब धनिया वगैरह डाल दीजिए और थोड़ा सा पकाइए इसे। और तो स्टफिंग बढ़िया से तैयार हो चुकी है। अभी आटे को ना थोड़ा सा और हमने गूंथ लेना, इस तरह से 2-3 मिनट तक चला लीजिए। अब इसके ना हमने पेड़े बना लेने हैं छोटे छोटे से, तो जितने बड़े या छोटे आप समोसे बनाना चाहते हो ना, अगर मिनी समोसा बनाना चाहते हो तो बहुत ही थोड़ा सा पेड़ा ले लो, तो अगर थोड़े बड़े बनाना चाहते हो तो बड़े, तो मैं ना मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ना ये बड़े हैं ना ये मिनी है। तो इतना सा पेड़ा मैंने ले लिया, इस तरह से बना लिया। तो सभी पहले मैंने इसी तरह से तैयार कर लेने। तो अब इसे बेल लेते हैं। तो थोड़ा सा मैदा मैंने लगा लिया, अभी इसे हमने बेल लेना है, इसे गोल नहीं बेलना हमने, इस तरह से हमने ओवल शेप में बेलना है इसको, इस तरह से। अभी सेंटर से कट लगा लेना, इस तरह से काट लेना। तो ये हमारे 2 समोसे तैयार हो गए, इतना पतला मैंने रखा इसको। तो इसी तरह से सभी हमने तैयार कर लेने, ये देखिए इतने सारे तैयार कर लिए। अभी मैंने पानी लिया और एक किनारे पे 1/2 तक इस तरह से पानी लगाया। अभी देखिए पानी वाला हिस्सा ऊपर और दूसरे को नीचे रख के
इस तरह से हमने अच्छे से बंद कर देना है, कोन बना लेना। एकदम से सिंपल है, एक दो बार करोगे आपको पता चल जाएगा। जिसने नहीं कभी बनाया उसे भी आ जाते हैं। अभी हमने स्टफिंग भर देनी है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरनी हमने, इस तरह से। अभी अंदर के साइड पूरा पानी लगा देना हमने, इस तरह से, जो किनारा दिख रहा ना आपको इस पे। अभी इसको इस तरह से बंद कर लेना और सेंटर में आते आते एक फोल्ड करना हमने इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करना, फिर इसको इसके साथ इस तरह से चिपका देना है। अच्छे से चारों तरफ हमने प्रेस कर लेने से, बढ़िया सा। तो बिल्कुल भी ये तेल में खुलेगा नहीं इस तरह से अगर आप बनाओगे। ये देखिए, अब ये एक और दिखाती हूँ आपको। किनारे पे पानी लगाया, पानी वाला हिस्सा ऊपर रखा, दूसरा वाला नीचे, और अच्छे से चिपका दिया और कोन तैयार हो गया। स्टफिंग भरी और फिर से हमने उसी तरीके से इसको बंद कर लेना है। ये है, यहाँ पे लगा दिया फोल्ड एक ऐसे करके। बहुत ही आसान है। तो देखना आप इस तरह से बनाओगे ना, बिल्कुल भी आपके समोसे कभी भी खुलेंगे नहीं तेल में, एकदम से क्रिस्पी बनेंगे। तो सभी हमने तैयार कर लिए, अभी इन्हें फ्राई करने की बारी आती है। तेल रख दिया, तेल एकदम से हल्का गर्म है, अभी कोई ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना। अगर आपने क्रिस्पी समोसे बनाने हैं तो लो फ्लेम रखें और कुछ देर के बाद फिर इसे हिलाएं, पहले ना हिलाएं। जब इस तरह से ऊपर लग पड़े ना आने, तो फिर किसी चम्मच के साथ इन्हें पलटी लगा दीजिए और कम गैस पे उलट पुलट करते हुए इन्हें हमने क्रिस्पी सा कर लेना है। और कलर बहुत बढ़िया सा जब इसका आने लग पड़ेगा तब हमने निकालना है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से ये तैयार हो चुके हैं, अभी निकाल देते हैं। एकदम से क्रिस्पी हैं ये समोसे ऊपर से, आपको दिखने में भी पता चल रहा होगा। तो सभी को हमने निकाल लिया, लेकिन अभी एक बैच है, अभी दूसरा भी डाल देते हैं। इन्हें होने देते हैं सारे, जब हो जाएं, ये देखिए हो चुके हैं। अभी ना ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें भी फ्राई करते हैं साथ में, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं ये भी। तो ये लीजिए, क्रिस्पी से गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं, एकदम से कुरकुरे खस्ता समोसे हैं। तो ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं जी। और आप भी ना, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए एकदम से अंदर तक स्टफिंग है इनके और बहुत ही क्रिस्पी हैं। और इसे अपनी मनपसंद सॉस चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी से समोसे बने हैं, आप भी ट्राई ज़रूर करें। अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।